सब्सक्राइब कीजिए ई सेलिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए ताकि आपको ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े सभी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों आज 11 मई है और लास्ट मेल जो फ्लिपकार्ट की तरफ से हमें मिला था ग्रीन पैकेजिंग को लेकर, उसमें फ्लिपकार्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि सभी सेलर्स को 11 मई से ग्रीन पैकेजिंग में ही ऑर्डर्स को पैक करना है और अगर सेलर्स ऐसा नहीं करेंगे तो जो पिकअप बॉयज है वो सेलर्स के ऑर्डर को रिजेक्ट कर देंगे। और आज 11 मई हो चुकी है तो इसको लेकर 2-3 दिन से काफी सारे सेलर्स के मुझे यूट्यूब पर कमेंट्स में वो पूछ रहे हैं कि सर 11 मई आने वाली है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी काफी सारे सेलर ने मुझसे पूछा है कि ग्रीन पैकेजिंग कोविड की वजह से अरेंज नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में हम क्या करें। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्लिपकार्ट की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल तो नहीं आया है, लेकिन हाल ही में मैंने देखा कि फ्लिपकार्ट सेलर क्लब जो फेसबुक पर फ्लिपकार्ट का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी एक सेलर ने जब ऐसा ही पूछा कि कोविड की वजह से उसके पास ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल वो प्रोक्योर नहीं कर पाया है, अब ऐसे में वो कैसे ऑर्डर्स को पैक करे ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल में, तो उसके रिप्लाई में फ्लिपकार्ट सेलर क्लब के एडमिन ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर अभी कोविड की वजह से किसी भी सेलर को ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योर करने में दिक्कत हो रही है तो उस केस में सेलर प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कमेंट में पंकज सक्सेना करके कोई सेलर है, उन्होंने फ्लिपकार्ट सेलर क्लब ग्रुप में पूछा है कि फ्रॉम वेयर वी विल अरेंज ग्रीन पैकेजिंग इन दिस टाइम पीरियड ड्यू टू कोविड-19 सेलर वोंट बी एबल टू अरेंज दिस सो प्लीज पोस्टपोन दिस टू नेक्स्ट ईयर। इसमें फ्लिपकार्ट सेलर क्लब के एडमिन ने जो रिप्लाई किया वो किया, हाय पंकज, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड इन द व्यू ऑफ कोविड इफ यू आर फेसिंग इश्यूज प्रोक्योरिंग ग्रीन पैकेजिंग, वी आर ओके टू एक्सेप्ट इन प्लास्टिक फॉर द टाइम बीइंग बट दिस इज अ कंसीडरेशन ड्यू टू कोविड, काइंडली अडियर एज मच एज पॉसिबल। तो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कोविड की वजह से अगर आपको ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योर करने में दिक्कत हो रही है तो अभी आप प्लास्टिक पैकिंग में भी ऑर्डर पैक कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपको ढील दी जा रही है सिर्फ कोविड की वजह से ही दी जा रही है। कोविड की वजह से फ्लिपकार्ट भी समझ रहा है कि मैक्सिमम सेलर्स को परेशानी हो रही है तो उस केस में उन्होंने ढील दे दी और बोल दिया कि अभी फिलहाल आपके पास नहीं है तो आप जो है वो प्लास्टिक पैकेजिंग में ऑर्डर पैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा टेंशन फ्री हो गए होंगे, क्योंकि काफी सारे सेलर्स मुझे यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर ग्रीन पैकेजिंग की डेट जो है 11 मई थी और वो आने वाली है, अब क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया है, फ्लिपकार्ट ने अपडेट कर दिया है फेसबुक ग्रुप पे कि अभी कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्लास्टिक पैकेजिंग को ज्यादा परचेज कर लें, क्योंकि जैसे ही कोविड खत्म होगा सो ही ग्रीन पैकेजिंग मैंडेटरी होने ही वाला है। मेनली लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये पेपर बैग है तो पानी में ये जो है गीला हो जाएगा और प्लास्टिक पॉलीबैग गीला नहीं होता था, तो मैं आप लोगों के लिए ये ट्राई करूंगा इधर वीडियो में ही कि देखिए क्या इफेक्ट आता है। ये मैंने इधर पानी ले लिया और जब मैं इसमें पानी डाल रहा था तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मतलब ऑब्वियसली प्लास्टिक है आप समझ ही जाओगे इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब सारा पानी जो है बकेट पे चला गया है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, थोड़ी देर में सूख जाएगा। लेकिन वही अब मैं ट्राई करता हूं पेपर बैग में, अब मैं फ्रेंड इस पे पानी डालता हूं, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इस पे पानी डल गया, अज्यूम कर लेते हैं कि बारिश आई है और ये पैकेट हमारा जा रहा है तो इस पेपर बैग का क्या हाल है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने पेपर ने नरमी तो पकड़ ली है, लेकिन मैं कहूंगा पेपर ये अच्छी क्वालिटी का, ये एकदम गीला नहीं हुआ है कि हाथ लगाते ही ये फट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो वाटर टेस्ट मुझे लगता है ये इसने पास कर लिया है, तो जब ये सूख जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इजीली हम मतलब ये सूखने के बाद दोबारा हार्ड हो जाएगा, पेपर टेस्ट पेपर बैग ने क्वालिफाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।